हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? और हम एकदम बढ़िया हैं। तो दोस्तों, मैं जा रही हूँ बहुत दूर भोले शंकर के मंदिर। तो दोस्तों, वैसे खांसी जुखाम और बुखार तो चल रहा है, वैसे मैं नहीं जा रही थी। कल मैं दवाई लेके आई हूँ। अगर मैं नहीं जाती दोस्तों, तो एक मेंबर कम हो जाता। तो जा रहे हैं, अगर खींच है तो जाना ही पड़ेगा भोले शंकर की। तो दोस्तों, हम इतने दूर जा रहे हैं और हमने सिर्फ उस मंदिर के बारे में सुना था, यूट्यूब पे वीडियो देखी थी। आज हमें दर्शन करने के लिए मिल जाएंगे भोले शंकर के। तो दोस्तों, सुबह के 4:30 हो रहे हैं और डर भी लग रहा है। और पीछे क्यारी में है फूल, तो हमें जितना फूल कहीं दुकान से लेना है उससे अच्छा तो हम अपनी क्यारी से ले जाएं। बाहर कितना अंधेरा है, तो क्यारी में बगे हुए हैं। तो चलो पहले अभी फूल ले आती हूँ मैं। अंधेरा भी हो रखा है, दिखाई नहीं दे रहा ना। तो दोस्तों, मेरे फूल आ गए हैं और अभी तक गाड़ी का कोई मतलब आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही है कि कहाँ है ये लोग। और बोल रहे थे कि हमने जल्दी निकलना है, तो अभी तक तो इनकी गाड़ी भी नहीं आई और पता नहीं कितना लेट कर रहे हैं। चलो देखते हैं, अभी तो अंधेरा है बहुत ज़्यादा। दीदी भी आ रखी है, तो दीदी यही रहेगी बच्चों के साथ। लल्ली जा रखी है गाँव, तो मुझे तो अजीब सा भी लग रहा है सफर में, पता नहीं कैसा होता है, चक्कर से आ रहे। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग है सब के सब। हेलो करो। हेलो, गुड मॉर्निंग। सुबेर हो गई है। सुबेर हो गई है। हेलो दोस्तों, तो वीडियो जरूर देखिए। ये वीडियो में मैं अपने डांड कांठे दिखाऊँ, अपने मतलब अपने पहाड़ है कि अपने उत्तराखंड है कि।
तो दोस्तों हम छो जाना मंदिर। तो मंदिर में पूरा रास्ता बहुत लंबू छ, कम से कम 4-5 घंटा हो गए। तो वीडियो मैंने यहाँ को बनाई कि थोड़ा बहुत डांडी कांठी भी दिखाई दी आप लोगों तय करना। आप लोगों तय ये डांडी कांठी लग रही है, बहुत प्यारा नज़ारा जो सुकून अपना पहाड़ों में छो कखे नहीं छ। तुम कखे भी चल जाओ, देश विदेश कखे भी शहरों में जी अच्छी से अच्छी कंट्री चला, पर जो पहाड़ों में जो आनंद छ वो कखे नहीं तुम लोगों तय मिलने। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो देखना आप लोग तो जो उत्तराखंड वाला वो तो फिर भी घूम लेना ना, पर उत्तराखंड में जो बहरा कन वो लोगों के मैं जरूर बताना चाहता हूँ कि हमारा उत्तराखंड में जरूर आयान और ये मतलब अच्छा अच्छा नज़ारा दिखान और मंदिरों के दर्शन करान। मंदिर बहुत बहुत जगहों में मंदिर छन हमारे जन की जौन सहारा हुएगी हमारा हमारा केदारनाथ बद्रीनाथ बहुत सारी जगह बहुत अच्छा अच्छा हमारा देवभूमि जगह का बोलन आप लोग तो जान ही सकते हैं। देवभूमि जखो नौ छे वक्त मंदिर है मंदिरन और तीर्थ स्थान छ हमारा उत्तराखंड। तो आप लोगों का पता है कि कथा लोग यात्री लोग तो बहुत आनन, तो आप लोग भी इन डांडी काठियों का मिस नहीं करान और मेरे वीडियो तो जरूर देखें। देख मेरी वीडियो मैंने यन बनाई कि हमारे जो दीदी लोग छन मेरी दीदी लोग उन बोली कि अन्नी तू पूरी वीडियो यन बनाओ कि बस डांडी काठियों की। तो वो कहें अपना डांडू कांठ ज़्यादा पसंद आ, हर जगह हम बस लगी छन कि अन्नी डांडी कांठे में वीडियो बनाओ, अन्नी डांडी कांठे में वीडियो बनाओ। तो दोस्तों मैंने यहाँ की वीडियो बनाई कि हम लोग जानो लगे तो हम वीडियो भी देख ला और यानी यात्रा ली हम तय कि हम कख तो गया और सब ग्रुप हमारे तो कम से कम यानी याद रहा कि हाँ यार हम घूमने गए और झाड़ू पोचा घास तो हमेशा काटन और यो काम तो जिंदगी भर होगा, कभी एक दिन हम आपको नहीं निकाल सक दो। तो हम दीदी सबसे मेन तो हम सर मैं सजनी दीदी धन्यवाद कर दो दीदी हम कट्ठू करके सबूत हैं। पहले तो दीदी हम कह बताने आता हम हाँ बोल दो कि ना बोल दो बहुत चीज़ सोचन पड़ जाने जनाने होते हैं लेट जूते हैं। तो दोस्तों हम लोग बड़ी मुश्किल से तो हाँ ही बोलो बोलो और मैं कह तो बुखार अब छोड़ मैंने बोली कि मैं नहीं जानो। फिर मैंने यहाँ को ना बोली यहाँ को हाँ बोली कि यार एक मेंबर कम हो जान दो, अगले बंदा इतना रिक्वेस्ट करी कहें सब का इकट्ठा करूँ फिर हम मना कला तो कन फील बोल भी दीदी कहें। तो दगड़े मैं यहाँ को बोली हाँ मैं बुखार अब छोड़ूँ। तो दोस्तों कहना ये वीडियो आप लोगों तक लगनी और मैं गढ़वाली में बोलूँ, मैं गढ़वाली में कम ही बोलूँ वीडियो में और अपनी डांडी कांठी देख दो कन सुंदर जगह हम जाना का लोग भी बड़ा अच्छा लगे। मैं तो सबसे मेन बात है कि यूँ लोग जिगे ज्यादा बनी बहुत सारे जगह सुनी मैंने कि मंदिर उम जिगे बहुत वो कर दन लोग कि ये मत करो वो मत करो, फोटो मत खींचो वीडियो मत बनाओ, वहाँ के बारे में कम बताते हैं। तो दगड़ियों यखा लोगों ने हमते सब विस्तार पूर्वक बताई और मेरी वीडियो जरूर देखे हैं दगड़ियों। कितने प्यारे रिसोर्ट है, शायद होटल है कि गांव है। तो दोस्तों हम कहीं पे ठहर गए हैं तो आज का व्लॉग हमारे साथ फुल एंजॉय करना आप लोग। और यमुनोत्री के रास्ते हम जा रहे हैं, बहुत एक बहुत ही सुंदर मंदिर ये देख सकते हो आप, कितना प्यारा नजारा है। ये हमारी गाड़ी यहाँ पे रुक रखी है, क्या बोलते भैया यहाँ के लिए? नैनबाग। तो भैया कह रहे हैं यहाँ के लिए नैन बाग बोलते हैं। तो हम यहाँ पे रुके हुए हैं, हम पियेंगे अभी और इतना प्यारा नज़ारा है यहाँ का, इतना प्यारा कि मैं बता नहीं सकती। मतलब शहरों में तुम जितना मर्जी घूमो अपने पहाड़ों की बात ही कुछ अलग है ना भैया, कितना मस्त है ना यहाँ आके तो सुकून। और ये देखो जगह कितना प्यारा लग रहा है, वाव। तीन मकान है कहाँ पे, वहाँ ऊपर ना। तो दोस्तों यहाँ पे देखो ये तीन मकान है, देखो कितना, ये देखो
ये हमारी पार्टी सारी नीचे उतर रही है, चाय पियेंगे अभी यहाँ पे। बहुत ही प्यारा है दोस्तों, थोड़ी चाय पीते हैं। दोस्तों बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। तो दोस्तों कितना प्यारा गांव है, आप देख सकते हो यहाँ, शायद होटल से लग रहे हैं। मरोड़ बहुत सुंदर गांव है आपका। अच्छा मैं सोच रही यहाँ होटल बने हुए लोगों के, ये गांव है। बहुत प्यारा गांव है आपका। कैसा है यहाँ, मतलब ठंडा बहुत है? हैं? अच्छा हमें तो ठंडी लग रही है, हमने सोचा कि अच्छा। ये हमारी पार्टी यहाँ पे रुकी हुई है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमने आना था। दीदी लोग सब कैसे कैसे लग रहे दीदी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, कितना अच्छा है ना, अच्छा लग रहा है यहाँ आके, बिल्कुल सुकून मिल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब मैं दूसरा ब्लॉग बनाऊंगी मंदिर का, उसे जरूर देखना और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हेलो गाइस, तो दोस्तों मैं दूसरा वीडियो शुरू कर रही हूँ, तो हमारे साथ वीडियो जरूर देखना और मंदिर को फुल एंजॉय करना। आज आ रखे हम बहुत दूर, दिखाएंगे कौन सा मंदिर है। वो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून।